बिहार विधानसभा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी समर में नया मोड़ आ गया है। बिहार विधानसभा में दो प्रमुख निर्दलीय दावेदारों ने अपना हाथ मिला दिया है। आपको बता दें कि निर्दलीय के रूप में भालिया क्षेत्र से संबंध रखने वाले देवराज जैन, जो कि नामांकन भरने पहले पहुंच चुके थे, लेकिन अब पुनः नामांकन वापस करने का फैसला उन्होंने कर लिया है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार है, भाजपा समर्पित है, इंद्र सिंह बागावास, उन्हें अपना समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि आज एक प्रेस वार्ता आयोजित करके देवराज जैन ने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान किया है और इंद्र सिंह बागावास को अपना समर्थन देने की बात कही है। साथ ही बाल्य क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के मुद्दों पर एकजुट होकर दोनों दावेदारों को एक साथ मिलकर ब्यौर में परिवर्तन लाने की बात यहां पर कही गई है। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा और तमाम जो विकास के मुद्दे होते हैं, उन वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए ब्यावर में परिवर्तन लाने की बात करते हुए शंकर सिंह रावत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कह डाला है कि समाज के लिए रावत ने कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम आरोपों से घेर कर शंकर सिंह रावत को यहां पर देवराज जैन और इंद्र सिंह बागावास दोनों ने हाथ मिला लिया है और एक साथ रहकर भालिया क्षेत्र सहित ब्यावर के विकास की बात यहां पर कही है। आपको बता दें कि बागावास ने भी जैन को साथ में लेकर ब्यावर में परिवर्तन लाकर उसका हक दिलाने का ऐलान यहां पर किया है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर कि इंद्र सिंह बागावास, जो कि निर्दलीय दावेदारी यहां पर कर रहे हैं, भाजपा समर्पित है, वहीं भालिया क्षेत्र से जो भाजपा समर्पित देवराज जैन है, उन्होंने अब अपना नामांकन वापस लेकर इंद्र सिंह बागावास को अपना समर्थन दे दिया। अपना देखते हुए विधानसभा क्षेत्र के विकास का सपना देखते हुए नामांकन किया था और इसी विकास के सपने को आदरणीय इंद्र सिंह जी बागावास ने भी देखा है। इसलिए हम जब दोनों एक ही मुद्दे पर हैं और एक ही विचारों से सहमत हैं, तो मैं उनके समर्थन में, यानी आदरणीय इंद्र सिंह जी बागावास के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले रहा हूं और मेरे क्षेत्र के लोगों की इसमें सहमति है। उनकी सबकी सहमति से मैं इनका नामांकन, मेरा नामांकन वापस ले रहा हूं। सोचा जा रहा था, मेरे मन में ये था, हो सकता है इंद्र सिंह जी को ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रेशर पड़े और वापस आए। मैं अब भी ये मानता हूं, अगर ये वापस नहीं लेंगे, अगर ये वापस ले लेते हैं तो मैं रहूंगा, मतलब एक व्यक्ति रहेगा। अब मुझे पता चला है कि वो वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैंने अपना नामांकन वापस।